बनारस में 17 दिसंबर से काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आईआईटी मद्रास ने 30 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इसके बारे में जानकारी देने के लिए वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने आज शनिवार को कचहरी स्थित राइफल क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। डीएम एस राजलिंगम ने बताया कि तमिल संगमम की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, बस तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार 17 दिसंबर से 30 दिसंबर तक ये संगम चलेगा। इसके लिए मुख्य रूप से नमो घाट पर तमाम कार्यक्रमों के प्रस्तावित करने की योजना है। आपको बता दें कि इस काशी तमिल संगमम में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सहयोग करेगा, जिसमें छात्र, शिक्षक, किसान, कारीगर, बुनकर, व्यापारी, व्यवसायी, धार्मिक, लेखक, पेशवर आदि 12 अलग अलग क्षेत्रों के लोग शामिल होंगे। इनका चयन आईआईटी मद्रास की उच्च स्तरीय समिति करेगी। कार्यक्रम का मकसद शिक्षा और संस्कृति के दो प्राचीन केंद्रों वाराणसी और तमिलनाडु के जीवन संबंधों को पुनर्जीवित करना है। इसमें दो बार बीसी हुई थी, तमिल संगमम इस बार 17 दिसंबर से आयोजन होने के लिए तैयारियां चल रही और 31 दिसंबर तक होगा। क्या लगता है प्रधानमंत्री जी भी इसमें आ सकते हैं? नहीं, उसकी अभी आइडिया नहीं। उसी तरीके से एक बृहद कार्यक्रम ये होगा जिस तरीके से पहली बार काशी तमिल संगम हुआ था और काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था वो, क्या उसी तरीके से ये कार्यक्रम होगा और कहाँ होगा ये? इस बार नमो घाट के लिए प्रस्तावित है, अभी फाइनल अप्रूवल पेंडिंग है, तो जो प्रस्तावित किए हैं वो नमो घाट में करने के लिए कर रहे हैं और उसी भव्यता के साथ रहेगा कि जैसे लास्ट ईयर था।